City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार मित्रों, सिटी लाइव में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक नई शख्सियत को लेकर आए हम, उनका नाम है मोहम्मद खालिद कुरैशी। आप वैसे तो सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, लेकिन आपकी जो देशभक्ति का जो जज्बा है उसका लोहा इन्होंने बहुत मनवाया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज की मुलाकात में खालिद कुरैशी साहब से, मोहम्मद खालिद कुरैशी साहब से उनकी यात्रा के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके आज के माहौल में उनका क्या सोच है, इसके बारे में उनसे चर्चा के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है खालिद कुरैशी साहब। कौशिक जी, जय हिंद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज जब दुनिया में हर तरफ कोरोना का कहर है, ऐसे में हमने सोचा कि कुछ देशभक्त, कुछ ऐसे लोग जिनमें देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ है, अपने देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ करने की जो जज्बा लिए चल रहे हैं, उनसे मुलाकात करने की कड़ी में मेरा ख्याल रहा कि आपसे मुलाकात की जाए। तो मैंने हमारे प्रोड्यूसर साहब से कह के आपसे मुलाकात का एक रिक्वेस्ट करी, वो उन्होंने क्या कहते हैं मान ली, और आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, एक अरसा हुआ है मिले हुए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार के बारे में, अपने पेशे के बारे में बताएं, आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है और आप क्या क्या करते हैं। कौशिक जी, आई स्टे इन मुंबई, आई वर्क विद इंडियन रेलवेज, और मैं इंडियन रेलवेज में हेड टिकट कलेक्टर हूँ। मेरा मुंबई में बोरेली में रहता हूँ। मेरी बेटियां हैं दो जो यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं, और मुझे तकरीबन 22 साल हो गए रेलवे में नौकरी करते हुए। देखिए, आप रेलवे में नौकरी करते हैं, आपके दो दो